यार इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स इंडियन वेब सीरीज में हमने कई अलग अलग तरह की कहानियां देखी, जैसे नॉर्थ इंडिया में बसे गैंग वॉर्स, और फिर मोर रिसेंटली ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार आर्या वी सॉ अ फैमिली ऑफ ड्रग लॉर्ड्स इन राजस्थान। और फिर मुझे लगने लगा कि यार ये इंडियन वेब सीरीज वाले अपने मुंबई को कुछ ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, ऐसा आप उनको नहीं चलेगा बॉस। एंड देन अचानक जिस आदमी ने 1998 में फिल्म सत्या में मुंबई का किंग कौन बेगम मात्रे कहकर शुरुआत की थी, दैट मैन हैज ब्रॉट द मुंबई फ्लेवर बैक इन आवर लाइव्स इन एंड एज भोसले ऑन सोनी लिव। फिल्म 60 साल के रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल गणपत भोसले की कहानी है, जो मुंबई में एक छोटी सी खोली में अकेला रहता है। दिखने में ईमानदार है, ज्यादा पैसे इसके पास है नहीं, ये किसी तरह से अपनी जिंदगी बिता रहा है, सब कुछ खुद करता है, खाना बनाना, बर्तन धोना, सब कुछ अकेला खुद। अ लॉट लाइक अ लॉट ऑफ अस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लॉकडाउन। खैर, पुलिस डिपार्टमेंट में इनकी सर्विस एक्सटेंशन रिक्वेस्ट अटकी पड़ी है, और दूसरी ओर ये जहाँ रहते हैं जिस चौल में, वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मराठी मानुस वर्सेस बिहार से आए लोग, और इस कॉन्फ्लिक्ट का इंस्टिगेटर है विलास धावले, एक छोटी सोच रखने वाला, बिहार से आए लोगों को नफरत करने वाला पेटी माइंडेड बिगट। और फिर उसी समय गणपत भोसले की पड़ोस की खोली में बिहार से एक अर्ली टू मिड ट्वेंटीज की एज की लड़की और उसका छोटा सा भाई रहने आते हैं, और उसके बाद उस कॉन्फ्लिक्ट का असर इन सभी कैरेक्टर्स की लाइफ पर कैसे पड़ता है, आमतौर पर अपने आप में रहने वाले चुपचाप रहने वाले गणपत भोसले क्या रिएक्ट करते हैं, अगर हाँ तो कैसे, इज द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म। ये महाराष्ट्र से मराठी मानुष का है और किसी का नहीं, समझे क्या भैया। इस फिल्म में कुछ बिगटेड इंसल्ट्स के अलावा देयर इज हार्डली एनीथिंग टू बी पॉडी, एंड सो इट्स फेयरली लो ऑन द बीट मीटर। लेकिन अगर मेरे इस रिव्यू में एम्पथी मीटर होता तो ओनली फॉर भोसले काका, दैट एम्पथी मीटर वुड हैव बीन वेरी 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 हाई। कितना अच्छा आदमी है यार, एंड आई फील सो सॉरी फॉर हिम। पिछले एक हफ्ते से सिर्फ मराठी चिल्ला रहा है। इस फिल्म की गाड़ी के दो इंजन है, मनोज बाजपेयी एज गणपत भोसले इज सो रिस्ट्रेंड येट सो इम्पैक्टफुल। मतलब दो घंटे की पूरी फिल्म में इनके ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 डायलॉग है, वो भी आधी आधी लाइन एक लाइन के, एंड येट अपनी साइलेंस से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, बिना किसी भारी भरकम डायलॉग के, दिस मैन विल इवोक अ सुनामी ऑफ एम्पैथी इन यू। ऐसी है ये मास्टर क्लास। एंड देन देयर इज वेल नोन मराठी एक्टर संतोष जुवेकर, हू प्लेज विलास धावले, अ पेटी स्मॉल माइंडेड हेट फिल्ड बिगट हु इज सो बैड, आई मीन ही इज सो गुड एट बीइंग बैड दैट विल मेक यू हेट हिम। हालांकि मुझे इस कैरेक्टर को देखकर सीक्रेट गेम्स वाले बंटी की भी याद आ गई थी। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये फिल्म थोड़ी सी स्लो और डिप्रेसिंग लगे, लेकिन पूरा दिल लगाकर पूरे ध्यान से अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपका EQ यानी कि इमोशनल क्वोशेंट थोड़ा और बढ़ जाएगा। दो लीड एक्टर्स की असरदार परफॉर्मेंस, देवाशीष मखीजा की रियलिज्म से ना हटने वाली डायरेक्शन और जिगमेट वांगचुक की अनयूजुअल सिनेमेटोग्राफी मेक्स भोसले ऑन सोनी लिव टोटली बिंजवर्थी। डाउन बगा भोसले का कला, और हाँ, बी नाइस टू माइग्रेंट्स, वो भी अपने यार। We'll be right back.